भाई हमें कॉल पे मिला रहे यार सीनियर्स से, ये नहीं पार्टी करते। अब तो हमने भी कॉमिकस्तान कर लिया यार, सेम लेवल पे हम, सेम लेवल। यार आदेश तू सच बता, तू अपने बर्थडे के दिन भी मम्मी से ट्रीट मांगता है ना? यार इतना बड़ा दिन था यार उनके लिए, तो मांगनी पड़ेगी। हाँ भाई दुख का दिन बड़ा ही होता है। सही बोला, एकदम सही बोला। अबे तू जा छिपकली, रहने दे तू। श्रेया को छिपकली बोल रहे हैं। नमस्ते मामा जी, नमस्ते, कैसे हो आप? मामा जी नहीं, क्यूटू मामा भाई, क्यूटू मामा, क्यूटू मामा। श्रेया को देख लो, टट्टी लैट्रिन सब कुछ कर दिया है। बढ़िया फेमस बनी एकदम, कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं, ट्रू कॉमेडी। लाइफ चेंज हो गई यार कॉमिक स्टार के बाद। तुम इंस्टाग्राम वगैरह नहीं देखते क्या मेरा? देखते हैं सर। आकाश ये इंस्टा रीच कम हो गई है क्या तेरी? अरे कॉल पे होना है यार, दो मिनट रुक सक। हाँ हाँ जस्ट इग्नोर गाइस, इग्नोर। यूट्यूब यार आपने मचा रखा है यार, ऐसे 26-26 मिलियन व्यूज, खराब जाए तो जाके 10 मिलियन व्यू, भाई कैसे मतलब यार? तू बहुत स्टॉक कर रहा है मेरे को यार आशीष। आकाश भाई टिप्स बताओ ना, यूट्यूब पे वीडियो कैसे वायरल हो, अबे हम वही पे डालनी है, टिप्स बताओ थोड़ा सा। भाई वही ऐसे 10-15 लाख बार परफॉर्म करो, 9-10 हजार बार रिकॉर्ड कराओ, बस हो जाएगी वायरल। अच्छा आकाश भाई एक हम दोनों के बीच की बात है, ये जो प्राइज मनी होता है ये ऐसे तुरंत आ जाता है या फिर कुछ इनवॉइस वगैरह का चक्कर है? देख रहे हो कैसे तुम्हें कैसे फील करा रहे श्रेया आदेश, देख रहे हो? एक तो तेरे साले तेरे को दुगने पैसे मिले हैं लालची, और अब तेरे को इनवॉइसिंग भी जाननी है, मिल जाएगा पैसा भाई। अरे सर आप तो स्टैंड अप सेट से खुद की टी शर्ट बेच रहे हो, आपको किस बात की कमी है? क्या कमी है? नहीं कुछ भी नहीं है, ऐसी बातें करते रहते तुम। अरे इनको कमी है अच्छे ड्रेसिंग सेंस की। जोक था सर। थैंक यू गाइस, बहुत मजा आया, मतलब सुबह सुबह उठ के इतना फन तो मैंने कभी किया ही नहीं है। थैंक यू सर आने के लिए सर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। सीजन 4 में भी देखने को मजा आएगा भाई आपको, प्लीज आना। हाँ हाँ बात चल रही है वो एज अ जज वगैरह कुछ नहीं, नहीं एज अ कंटेस्टेंट, और इस बार तो भाई आप अकेले जीत सकते हो। इतना पुराना जोक और इतना पुराना टॉन्ट हो गया है, मतलब लोग मूव ऑन ही नहीं कर पा रहे यार। ठीक है यार तुम यही बातें करो, मैं जरा मेरा शो है शाम को ना बड़ा सा, मैं वहां जा रहा हूँ यार, तुम ये सब करते रहो यार। ठीक है यार, बाय बाय। पता नहीं किस किस को बुला देते हैं यार सुबह सुबह उठा के, दिमाग खराब। अरे मतलब बता दिया करो कौन आ रहा है, मत बिठा दिया करो। कोई बात नहीं यार, अभी नेक्स्ट कॉमिक देखते हैं, वो बताएगा कि कॉमेडी में फोड़ना कैसे है एकदम। और भाई नेक्स्ट बैच, न्यू बैच ऑफ कॉमिकस्तान, क्या हाल है भाई? अरे इंडिया की सबसे क्यूट, लाइकेबल और संस्कारी कॉमेडियन आया है, वाह भाई ध्यान से देख, कैनी नहीं आया है, राहुल दुआ है। यार शट अप यार, कुछ भी बोल कभी तो चुप हो जाओ यार करो यार। राहुल सर आप बताओ आप कैसे हो? बहुत बढ़िया यार, लिविंग द बेस्ट लाइफ, किंग साइज है ये देखो। कॉफियां फेंटी जा रही, बीवी आ रही, उससे आने से पहले कॉफी बना के रखी जरा, है ना? पर कोई बात नहीं, चिंता मत करो, ऐसा मैं मल्टीटास्किंग कर लेता हूँ, तुम सवाल पूछो फटाफट, है ना जल्दी। राहुल सर मेरा क्वेश्चन था राहुल सर, यार आपके जितने कॉर्पोरेट शो कोई नहीं करता यार, क्या क्या बात है यार, कैसे कर लेते हो यार? बस यार देखो ऐसा है, जिंदगी मेहनत करी हो और ऊपर भगवान कृपा हो तो सब कुछ हो जाता है। इतने ऑफिसों में आना जाना लगा रहता है, मतलब कभी कभी ऐसा लगता है फ्रीलांसर होने के बावजूद अपना 9 to 5 की नौकरी चलती है। राहुल भाई कॉर्पोरेट शो हमें भी चाहिए थोड़े से, आपको तो पता ही है ना, पहले कॉमिशन सीजन 3 निकलवा के अपने खुद के पेट पे लात मारी पहले, उसके बाद अपनी एफडीएं तुड़वा के तुम पे नोटों की बारिश और कर दें, कॉर्पोरेट शो भी तुम्हें दिलवा दें ना, हमें चूल्हा जलाना अपने घर में। पर सर सब फिर बताओ सही चल रहा था तो फिर आपने कॉमिकस्तान 3 में क्यों वापस आ गए? मैं तो नहीं आया वापस, मैं कहाँ वापस आया? अरे क्लीन शेव करके नाम गुरलीन पन्नू रख के वापस आ जाओगे, आप छोकर पहचाने ही नहीं आपको, क्या क्या बात कर रहे हो? देखो ये बदतमीजी कतई बर्दाश्त नहीं होगी, अगर सवाल है तो पूछ लो, बेइज्जती करने मुझे बुलाया नहीं, दाल सीटी बज गई, दाल चढ़ गई, मैं जरा दाल चढ़ा उतरवा के आता हूँ, बेइज्जती कराने नहीं आया मैं, अपने बच्चे आए नहीं बात कर रहे तो। दाल यार ये लोग भी दाल बना रहे हैं? सही है रोलर, सही है, इनकी लाइफ भी मतलब काफी एवरेज ही है। हाँ तो तुझे क्या लग रहा था हमारी भी ऐसी होने वाली, श्रेया टेंशन मत ले, वो सब छोड़ो तुम, ये देखो ना ये कितने खूबसूरत पल है यार, हमें याद रहेंगे कि हम अजनबी लोग मिले और फिर एक दूसरे के दिलों को छू लिया हमने। वाओ यार आशीष मतलब तेरा पोएट्री में भी कोई स्कोप नहीं है, टैलेंटेड लोगों का हर जगह स्कोप होता है, ठीक है तू नहीं समझेगी श्रेया। सही कह रहा है भाई, सही एकदम, तू क्या रिलेट कर रहा है तू भी नहीं समझेगा। यार आशीष तो भले ही कॉम्पिटिशन जीत चुका है बट तू ये मत भूल कि तेरे दोस्त हम नहीं है दोस्त, ठीक है? और आशीष ध्यान से सुन, मैं और श्रेया तेरे को फॉलो बैक तक नहीं कर रहे, ठीक है? क्या
मैं मजाक कर रहा था यार, मतलब देखो किसी को तो करना पड़ेगा ना, पर अगर फ्रेश जोक्स और ब्रिलियंट कॉमेडी देखनी है तो कॉमिक सांस सीजन 3 पे देख लो अमेज़न प्राइम वीडियो, है ना यार, या प्लीज फॉलो बैक कर लो यार, तो सॉरी प्लीज कर ले यार, प्लीज सॉरी यार, सॉरी।